सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ आरटीएम ग्रेटेस्ट। सो गाइस, आज की इस ऑसम वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह का जर्सी स्पोर्ट, मतलब जो स्पोर्ट्स की जर्सी वगैरह होती है, तो वो हम लोग क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अवर एंड्रॉइड फोन। सो गाइस, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, एंड मटेरियल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पर, फोटोशॉप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सिंपली ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके यहाँ पर 2000x2000 का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर लेना है। तो सिंपली जो स्क्वायर टाइप का होता है ना, वैसा आ जाएगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पर पैक में मिल जाएगा एक जर्सी का लिंक, जो कि एकदम ब्लैक होगी। तो आपको सिंपली उसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ फटाक से। तो ये रही ब्लैक जर्सी, ओके, तो मैं इसको ले लूँगा। एंड इसको आपको बड़ा कर देना है आपके अकॉर्डिंग, जितना बड़ा करना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो। ओके, तो मैं सिंपली इसको एडजस्ट कर लेता हूँ सेंटर में, और थोड़ा राइट में तो ठीक था, कोई नहीं, हम लोग इसको एडजस्ट कर ले। देन इसका सेलेक्ट पिक्सल करके एक एम्प्टी लेयर पे जाएंगे, यहाँ पर आप फिल कर देंगे। ओके, फिल विथ अ ब्लैक कलर से करना है आपको। ओके, ब्लैक कलर से करने के बाद डीसेलेक्ट करेंगे एंड इसको कर देंगे हम लोग ओवरले। ओवरले करेंगे जिससे वो बैकग्राउंड के साथ हमारे मर्ज हो जाएगा, मतलब वो पुरानी वाली जर्सी उसके साथ। एंड यहाँ पर इसकी अपोसिटी को रखना है 75, मतलब कम बढ़ा सकते हो जब अगर नहीं समझा तो, फिर 75 आपको एकदम रख लेना है जो इसकी अपोसिटी है वो, मतलब जब नहीं दिख रहा है तो आगे में मालूम चल जाएगा आपको। ओके, देन यहाँ पर एम्प्टी लेयर लेना है एंड यहाँ पर से देखो शेप्स क्रिएट करने हैं। यहाँ से पॉलीगन सिलेक्शन टूल को आपको सिलेक्ट कर लेना है, देखो हैंड पे, और यहाँ पर नीचे के साइड में जो रबर टाइप मतलब है उसमें आपको ये फिल करना है। तो हम लोग पहले यहाँ पर कॉलर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कॉलर में हम लोग तो यहाँ से पॉलीगन सिलेक्शन टूल ले लेंगे एंड शो पॉइंटर को एनेबल कर लेंगे। देन उसके बाद से हम लोग यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। मैंने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है तो आप एकदम आराम से कर लेना। ओके, तो हम लोग को इतना सिंपली कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से कर लेता हूँ, मतलब फटाफट से क्या, मेरे को तो करने का नहीं है, मेरे को तो वॉइस ओवर करने का है। तो सिंपली इसको कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर ये हो चुका है। देन इसको कर देंगे सिंपली फिल। फिल मतलब जो भी आपको कलर चाहिए, जो कलर का जर्सी आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ से सिंपली फिल करना है। तो मेरे को चाहिए सिंपली ब्लू वाला कलर जो कि हमारे लोगों में होता है। तो सिंपली मैं वो कलर यहाँ से सिलेक्ट लेता हूँ, 186 था इसका। ओके, देन ये होने के बाद हम लोग इसके हैंड्स वगैरह पे भी ऐसा ही सेम ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं अब यहाँ पर हैंड्स की तरफ चले जाता हूँ एंड इसको भी फटाफट से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फटाफट से भाई ड्रॉ कर ले कुछ इस तरह से। अगर आपको वहाँ पर शेप नहीं दिखे तो आप सिंपली इसका ओवरले में जाके इसकी अपोसिटी थोड़ा कम कर सकते हो, ओवरले में बोलता है लेयर सेक्शन में जाके। देन इसका यहाँ पर भी आपको सिंपली ड्रॉ कर लेना है। तो पहले तो यहाँ से डीसेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, देन अभी आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर देखो इस तरह से फटाफट ड्रॉ, देन नीचे साइड भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इसकी अपोसिटी मैंने कम कर ली, देन इस तरह से फटाक से इसका शेप वगैरह दिख रहा है। देन इसकी अपोसिटी को 75 कर दिया। ओके, देन ये हो गया सेट, इसको कर देंगे फील विद जो कलर से करना है। ओके, देन इतना होने के बाद जो हमारा जर्सी है उसका सेलेक्ट पिक्सल करेंगे, ऊपर वाले लेयर पे आके एक्सट्रैक्ट मार देंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा जो, देखो बॉर्डर वगैरह एकदम सही हो गया। ओके, इतना एकदम करेक्ट। देन इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो है जर्सी है उसमें सिंपली जाना है, इसको एम्प्टी लेयर एक और लेना है। एंड जैसा भी आपको शेप्स, क्योंकि ये शेप्स का गेम है जर्सी पर, जैसे आप शेप्स क्रिएट कर सकते हो ना वैसा आपका जर्सी डिज़ाइन होगा। तो सिंपली जो भी शेप्स आपके दिमाग में चलते हैं ना वो ड्रॉ कर लो। ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपली इस तरह से जर्सी ड्रॉ किया, अरे मतलब जर्सी बोल रहा हूँ, यहाँ पर शेप ड्रॉ किया। देन इसके और डुप्लीकेट करके मैंने ये वाले शोल्डर पर भी लगा दिया। ओके, शोल्डर पे नहीं, मतलब ये जर्सी के शोल्डर पे, हाँ जर्सी के शोल्डर पे, कपड़े के शोल्डर पे बोलूँ क्या। तो हम लोग यहाँ पर भी सिंपली उसी के एकदम एकदम करेक्टली उसी के साइज़ का लगा देंगे। देन इतना हो जाने के बाद हम लोग कर लेंगे राइट एंड जर्सी का, नहीं अभी नहीं, पहले नीचे का भी ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। तो नीचे भी हम लोग शेप्स क्रिएट करेंगे, देखो मैं दिखा रहा हूँ फटाफट से क्रिएट करके। तो सिंपली भाई कर कुछ इस तरह से करेंगे, इतना स्लो स्लो करेगा तो कैसे चलेगा भाई, इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया मैंने, सॉरी गाइस, कोई नहीं, देखो एकदम आराम से मैं क्रिएट कर रहा हूँ। देन इसको कर दिया हमारे से, ओके ये वाला हो गया। देन इसको कर देंगे फिल जो कलर है वो। देन इसका करेंगे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करने के बाद हम लोग कर लेंगे इसको ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म करके जो एक्स है उसको कर देंगे ये साइड एंड ये साइड हम लोग सिंपली इसको एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो मैं फटाफट से एडजस्ट कर देता हूँ फटाफट, देन इसके अकॉर्डिंग हम लोग को एडजस्ट करना है। देन हम लोगों ने हो गया, देन इतना होने के बाद नीचे एक सिंपली एक बड़ा सा हम लोग जर्सी के नीचे वाला जो होता है एक शेप क्रिएट कर देंगे।
मतलब जैसा शेप शेप्स के ऊपर सारा गेम, जितना तुम इमेजिन कर सकते हो ना वैसा ये गेम है। मतलब अगर जितना यूनिक शेप बनाओगे उतना यूनिक आपका जर्सी क्रिएट होगा, ओके ना। तो यहाँ पर मैं सिंपली फिल कर देता हूँ कलर्स, तो यहाँ पर जाके यहाँ पर एक एम्प्टी लेयर ले लूँगा मैं पहले, तो एम्प्टी लेयर पे नहीं, इस पर ही मैं फिल कर दूँगा, बाकी मैं इसको क्लियर कर दूँगा जो एक्स्ट्रा है वो। देन इस देख सकते हैं हमारा सिलेक्ट पिक्सल करेंगे जर्सी का एंड देन इस पर जाके एक्सट्रैक्ट, फिर देखो यहाँ पर ऊपर के साइड में बच जाएगा, ओके। तो फिर दूसरी वाली लेयर पर भी जाएंगे, सिंपल एक्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब तीनों लेयर को हम लोग मर्ज करके भी कर सकते हैं, मैंने तो अलग अलग कर दिया है, तो वीडियो लंबा हो गया, कोई नहीं वर्स्ट टाइम बढ़ेगा। देन इतना होने के बाद सिंपली ये हो गया, तो अब हम लोग इसको कर सकते हैं मर्ज डाउन। तो सिंपली एकदम ऊपर सॉरी डिसलेक्ट किया मैंने, एंड देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो नीचे वाली लेयर थी ना उसको मैं अलग कर लूँगा, ताकि मतलब जो देखो इसके अंदर मैंने सारा मतलब लेयर आया, तो पहले इसका मैं सिलेक्ट पिक्सल कर लूँगा अलग करके नीचे वाले का, देन इस पर जाके सबसे ऊपर इसको क्लियर कर दूँगा, जिससे ये वाला पार्ट जो हट जाएगा कलर खेला। हाँ, देन इतना हो जाने के बाद मतलब अब हमारा जर्सी का जो शेप्स वगैरह एकदम परफेक्टली है, तो ये हो चुका है, अब ये वाला तो काम हो चुका है। देन इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको मर्ज डाउन कर सकते हैं हम लोग, जो शेप्स वगैरह हम लोगों ने क्रिएट किए सबको मर्ज डाउन कर देना। देन उसके बाद मैं यहाँ पर अपना लोगो ले लूँगा, मतलब जो लोगो लगाना है हमको, तो मैं सिंपली ये लोगो ले लिया अपना, एंड इसको कर दूँगा यहाँ पर एकदम प्लेस, एकदम यहाँ पर जो हमारा राइट का दिल होता है ना उसके इधर दिल के बाजू में एकदम, ओके। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया, देन डन, इतना हो गया। होने के बाद हम लोग को इसको भी कर देना मर्ज डाउन, मर्ज डाउन करने के बाद इसको कर देना आपको ओवरले, देखो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको जो ये लेयर है ना उसको डुप्लीकेट करना है, दो बार, दो से तीन बार आप डुप्लीकेट करो, जैसा देखो एकदम अमेजिंग बोले ना, एकदम अमेजिंग जो हमारी जर्सी है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर एक कम कर दिया था, वैसे अब भी सही लग रहा है एकदम कड़क वाला, तो जर्सी सॉरी ये वापस हो गया, तो मेरे को वापस डुप्लीकेट करना पड़ेगा। पहले सेलेक्ट पिक्सल करके एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो रिमूव हो जाएंगे, देन इसका मैं डुप्लीकेट कर दूंगा दो बार, तो वो सही हो जाएगा, ओके ना, काफ़ी सही लग रहा है। देन एक और बार डुप्लीकेट। तो गाइस जो हमारी यही वीडियो में यही था, देखो यहाँ पर हमारी जर्सी क्रिएट हो गई, देन हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं इसका। तो यहाँ से सिंपली पिक कलर करके यहाँ से हम लोग जो बैकग्राउंड है जो आपको मन लगे मन में लगे वो वाला बैकग्राउंड सिंपली रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से जर्सी का कलर पिक कर लेता हूँ यहाँ पर जो था, देन उसके बाद मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ शेप्स ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे देखो इस तरह से मैं फास्ट फॉरवर्ड शेप एडिट कर देता हूँ, एंड इसको लगा के नीचे की तरफ भी रख दूँगा, ओके। तो कुछ इस तरह से हो गया हमारा जो जर्सी क्रिएट। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, ये दोनों वीडियो को जरूर से देख लेना, बाय बाय।